खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? देखिए, आपके पास कोई नायाब हीरा है, समथिंग वेरी स्पेशल? जी हाँ जी हाँ, हम अपनी बेगम को उसकी सालगिरह पर बतौर तोहफा पेश करना चाहते हैं। सरकार, मेरे पास एक बहुत ही नायाब हीरा है, बिल्कुल आपके मतलब का। दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए। वेरी गुड, क्या कीमत होगी इसकी? जी सिर्फ 1,00,000 रुपया। पैक कर दीजिए। जो आ गया। हेलो। जी हाँ, हीरा लाल ज्वेलर्स। नवाब साहब? जी हाँ है, नवाब साहब है। बेगम साहब, मैं बुलाता हूँ उन्हें। नवाब साहब, आपका टेलीफोन। हेलो। ओह हेलो डार्लिंग। डार्लिंग, मैंने तुम्हारे लिए एक नहायत ही खूबसूरत और नायाब हीरा खरीदा है। क्या कहा? अमेरिकन गाड़ी? 1,00,000 रुपया? कोई बात नहीं, हम घर पर आते हैं 1,00,000 का चेक दे देते हैं। हैं? कैश मांगता है गाड़ी वाला, कैश मांगता है भाई। ये भी क्या जिद है, चेक ले ले।
कैश? देखो डार्लिंग, मेरे पास जितना कैश था वो जौहरी को दे रहा हूँ। और डार्लिंग फिर आज सैटरडे है, बैंक बंद है, ठीक है, हीरा हम परसों खरीद लेंगे, जैसी आपकी मर्जी। ये और कहीं कमाल हो। सरकार, 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 परसों क्यों? अभी ले जाइए ना, शुभ काम में देरी किस बात की? आपके चेक और कैश में क्या फर्क है? जैसी आपकी मर्जी। जय राधे कृष्ण, ये लीजिए सरकार, फिर दर्शन दीजिएगा, ये दुकान आप ही की है, आप जैसे गाहक आएंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा सरकार। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। ये जब तक मैं से शाही और त्रिभुजन खराब, अरे अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, अरे पकड़ो दरबार, पकड़ो, अरे बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, अरे वो गाड़ी वाला भाग गया, अरे मैं पर तो लौटता है भगवान, अरे पकड़ो, नंबर है, पुलिस पुलिस। यस, मैं ही आज विरोध बोल रहा हूँ। ऐसा कीजिए, आप उस चेक को लेकर फौरन आ जाइए। हाँ, आप घबराइए नहीं, पुलिस उन बदमाशों को जरूर ढूंढ निकालेगी। क्या बताया खाता नंबर? MRD 5619। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल रुबा। उड़ाइए जा तू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, सुन जरा ओ बेखबर। जरा सा हंस के जब देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो,
संभलना मुश्किल हो गया। ये कार आपकी है? या, क्या बात है? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? ये वहां चलकर मालूम होगा आपको। नीता, तुम घर जाओ, मुझे इनके साथ जाना होगा। नहीं, ये पुलिस वाले न जाने तुम्हें। अरे पगली, पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है, परेशान करने के लिए थोड़ी। कुछ गलतफहमी हो गई होगी, जाऊंगा तो दूर हो जाएगी। टैक्सी। तुम चलो, कल यहीं मिलेंगे, इसी वक्त। हाँ, चलिए। सर, माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो। कोई बात नहीं, आप लोग बैठ के पीछे जीप में आइए, मैं चलता हूँ। पहले वो 1.5 लाख रुपए के नोट दिखाते हैं ताकि दुकानदार को इनके बारे में शक ना हो। फिर ये चेक देते हैं जो आज से 2 महीने पहले किसी की चुराई हुई चेकबुक में से है, और फौरन इस चेक की स्याही भी गायब हो जाती है। भागने के लिए दुकान इस्तेमाल करते हैं, उस पर सीआईडी इंस्पेक्टर श्याम की कार का नंबर है। सारा काम इस चालाकी से किया गया है कि किसी बात से भी उनका कोई सुराग न मिल सके। सर, इस चेक को केमिकल एनालाइजर के पास भेजने से शायद हमें कोई क्लू मिल सकता। हेलो। यस, क्या मैं इंस्पेक्टर शाम से बात कर सकता हूँ? जी, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। शाम, तुम्हारा फोन, कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? रिश्तेदार? हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर शाम, मैं वही हूँ जिसने आपकी कार का नंबर इस्तेमाल किया है, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शायद तुम ये नहीं जानते हो कि पुलिस के साथ ऐसा मजाक करने का अंजाम क्या होता है। इंस्पेक्टर श्याम, ये मजाक नहीं, ये तो आपको और आपके सारे डिपार्टमेंट को एक हल्की सी झलकी दी है, ये समझाने के लिए कि आइंदा आप हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिए, वरना ऐसी ऐसी झलकियां दूंगा कि आप पलके झपकते रह जाएंगे। खूब, बात खूब, लेकिन पलके कौन झप। हेलो, हेलो, हेलो। सर, ये फोन जूहू के पब्लिक टेलीफोन बूथ से आया। इन बदमाशों की ये हिम्मत, खुलेआम पुलिस को धमकी देते हैं। इंस्पेक्टर श्याम। यस सर। ये केस मैं तुम्हारे सपुर्द करता हूं, इन बदमाशों को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है, ये पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। डिपार्टमेंट की इज्जत मेरी इज्जत है सर। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, इस चेक पर से जो शाही गायब हुई है उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। इसे रिकॉर्ड में रखिएगा। ओके, थैंक यू। शाम, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। सॉरी नीता, मुझे देर हो गई। क्या हो गया था कल? क्यों ले गए थे वो तुम्हें? रोज ही ले जाया करें तो अच्छा है, तुम ऐसे लिपट के तो मिला करोगी। मेरी जान पे बनी है और तुम्हें लिपटने की पड़ी है। याद रखो, तुम्हें भी एक दिन पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा। बात क्या है? बात क्या है? बात यह है, बड़े राज की बात। इधर हमें बता, बैठो। ऐसी क्या राज की बात है? बता दूं? जिस आदमी से तुम प्यार करती हो ना, वो पुलिस में सीआईडी है। तुम्हारा मतलब है तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम आर्ट के स्टूडेंट हो। वो सच था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करना भी तो आर्ट है। झूठे कहीं के। अरे अरे अरे, लेकिन जो भी कुछ हूं तुम्हारा हूं,
गुस्सा छोड़ो, हंस के देखो ना मेरी तरफ। जाने दो मुझे। पहले हंस के देखो ना। मुझे तुमसे डर लगता है। डरो मत देवी, पुलिस जनता की सेवा के लिए है, जनता को डराने के लिए थोड़ी। पास आओ, आओ ना। अरे आओ ना, ना। छोड़ो ना। चलो चलिए। इंस्पेक्टर श्याम, आइंदा आप हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिए, वरना ऐसी ऐसी झलकियां दूंगा कि आप पलके झपकते रह जाएंगे। खूब बात, खूब, लेकिन पलके कौन झपकते रह जाएंगे। खूब बात, खूब, लेकिन पलके कौन मैंने कहा, मेरी जात ने सुना, मेरी जात मैंने कहा।
तुमने सुना दिल ने दिल से क्या कहा। मैंने कहा मेरी जा तुमने सुना, मेरी जा मैंने कहा मेरी जा तुमने सुना दिल ने दिल से क्या कहा। दू तेरे दातो तदर दुदा ला 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 दातर दो तेरे दरम ला 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 ला। मैंने कहा मेरे जा तूने सुना, ओ मेरे जा मैंने कहा मेरे जा तूने सुना दिल से दिल ने क्या कहा। मेरे जा मैंने कहा मेरे जा तूने सुना दिल से दिल ने क्या कहा। सारे हिंदुस्तान में एक ही लड़की हुआ करती थी जो मुझे हैंडसम कहती थी। मिस दीदी थैंक यू। हाँ जो तुम्हें चाहती थी मगर जिसे हमेशा तुम दूर दूर रहा करते थे। ये बात नहीं, कॉलेज के दिनों में मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में रहता था लेकिन अब क्या। क्या बात है? कुछ नहीं, बरसों के बाद मिले हैं। मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ शाम, लेकिन यहाँ नहीं, इतनी भीड़ से मेरा जी घबराता है। औरत हर बात पर्दे में करती है। मैं भी तुमसे बात कुछ पूछना चाहता हूँ। चलिए। नंबर वन स्पीकिंग, सीआईडी इंस्पेक्टर श्याम हमारे पीछे पीछे यहां तक आ पहुंचा है। उसकी देखभाल के लिए मैंने लिली की ड्यूटी लगा दी। वेरी गुड, लिली अपने काम को अच्छी तरह जानती है, फिर भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। दुश्मन बहुत ही चालाक और बहुत ही खूबसूरत नौजवान है। यस बॉस। और कोई हुक्म? आज रात का प्रोग्राम याद है? यस बॉस। तुम कब से हो यहाँ? कुछ महीने हुए यहाँ आए। कितनी बदल गई हो तुम, मैंने तुम्हें पहचाना भी नहीं। अच्छा, मेरी समझ में ये नहीं आता, जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म भी नहीं हुई तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? मेरे पिता के बारे में तो तुम जानते ही थे, एक जुआर या शराबी बाप दुनिया से जाता है तो अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ जाता है, कर्जों का पहाड़,
बस यही मेरे साथ हुआ। इस भरी दुनिया में मैं बेसहारा रह गई। फिर क्या हुआ? ये ना पूछो। उसके बाद 2-3 बरस मेरी जिंदगी पर एक अंधेरा सा छाया हुआ था। आगे किसी ने मुझे उस अंधेरे से निकाला और मैं, तुम तो जानते ही हो, नाच का मुझे कितना शौक था। मैंने सोचा क्यों ना इसे ही मैं जिंदगी का जरिया बना लूं। पैसे काफी मिल जाते होंगे। शाम, मैं इतना कमा लेती हूँ जिससे जी सकूं। गाड़ी तुम्हारी अपनी होगी, कार का तुम्हें पहले से शौक था। मैं भी कितनी पगली हूँ जो अपनी बातें करती रही, तुमसे पूछा तक नहीं कि तुमने इतने साल कैसे गुजारे। बीए पास करने के बाद नौकरी की तलाश में बम्बई चला आया। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, दवाइयाँ बेचता हूँ। शादी हो गई तुम्हारी? मेरा क्या, मैं तो अकेलेपन का मरीज हूँ। हो सकता है कि 2 मरीज मिल जाए और एक दूसरे का इलाज कर सके। तुम इतनी घबराई हुई से क्यों नजर आ रही है? नहीं तो शाम, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। ओके, चौबीस घंटे में दूसरी धमकी। मेरा ख्याल है उन बदमाशों को लीली की जरूरत थी। मिस्टर कपूर, मुझे यकीन है कि आज रात को कोई ना कोई वारदात जरूर होगी। अगर हम लीली को गिरफ्तार कर लें तो सारे बदमाशों को पता चल सकता है। लेकिन लीली के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत तो नहीं, पर मुझे विश्वास है कि ये गैंग लीली के जरिए ही पकड़ा जा सकता है। हेलो, बोल रहा हूँ। क्या कहा, कल्याण से आगे 10 मील? चलती ट्रेन से पेटियां फेंकी गई क्या? था उन पेटियों में चांदी। कार का नंबर? सॉरी मिस्टर शाम, जो आपने कार नंबर हमें बताया है वो हमारे यहां रजिस्टर ही नहीं हुआ है। ऐसे, एनीवे थैंक यू सर। Good morning. Good morning. Cabaret dancer Miss Lily hotel mein hai? She is not here at the moment. Ghar ka pata? I'll just look in. 12th floor landmark Carter Road. Thank you. You're welcome. पार्टी तो तुझे देनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि इस साल तू पास हो गई है। नीता, ये सपना है या सच? सपना। सपना जो बहुत जल्दी सच हो जाएगा। शाम, आज शाम को मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारी माँ से बात करूंगा। नहीं शाम, अभी नहीं। नीता, मैं जब भी शादी की बात करता हूँ तुम टाल देती हो। नहीं श्याम, ये बात नहीं। तुम समझते क्यों नहीं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी हो जाए फिर। अपनी जिम्मेदारियां मुझे दे दो। यकीन है? मेरे घर का पता कैसे चला? दिल में लगन हो तो लोग चांद सितारों का भेद ही मालूम कर लेते। क्या मैं तुम्हारे घर का पता नहीं मालूम कर सकते? इतनी दूर आने की तकलीफ कैसे की? अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए मैं ये पूछने आई हूँ कि तुमने जो मुझसे कल रात को कहा था क्या वो मजाक था? शाम, इन बातों में मजाक नहीं करता लीली। तो फिर कल रात को मुझे छोड़कर क्यों गायब हो गए थे? मैं क्लोक रूम से वापस आई तो तुम कहाँ थे? लिली, यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि कल मैं कहाँ था। जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया और कोई भारी चीज आके मेरे सर पे लगी और मैं बेहोश हो गया। बेहोश? हाँ बेहोश। और जब होश आया तो देखा मैं कहीं और पड़ा। चोट ज्यादा तो नहीं आई? खास नहीं। और फिर प्यार में चोटें तो लगती हैं। लेकिन ये किसने किया? मैं जानता हूँ। किसने? किसी दुश्मन ने। कौन दुश्मन? तुम बतला सकती हो? क्या मतलब? ये काम जरूर तुम्हारे चाहने वाले ने किया है। जिन्हें मैं चाहती हूँ उस लिस्ट में तो सिर्फ एक ही नाम है, तुम्हारा। और जो तुम्हें चाहते हैं? मुझे क्या मालूम। लेकिन शाम, तुम्हें हर वक्त अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम फिक्र मत करो। आज शाम को क्या कर रहे हो? वही नौकरी। तो मैं होटल में मिलूंगा। इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम से जाना। मैं कोई इससे भी ज्यादा जरूरी काम है? लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। Thank you.
इम्तिहान में पास होके कली की तरह खिल उठी है मेरी बेटी। अरे प्रसाद तो ले ले बेटी, भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे। तेरे पिता जल्दी से जल्दी घर लौट आए। घर तो तूने ऐसे सजा दिया है जैसे कोई आने वाला है। मां कौन बेटी, जब से तेरे पिता गए हैं कौन आता है इस घर में? वो ऑफिसर हैं पुलिस में। पुलिस गबार क्या चाहिए इस घर से? कुछ नहीं माँ, तुमसे आज्ञा लेने आ रहे हैं। वो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। तेरा मतलब है? हाँ माँ, कुछ ही महीने पहले हम एक दूसरे से मिले थे और फिर हर रोज मिलते रहे। तुम उनसे मिलोगी तो तुम भी उन्हें पसंद करोगी माँ। तूने उसे बता देना कि तेरे पिता कौन है? नहीं माँ, मैंने सोचा था बीए पास करके नौकरी करूंगी, चार पैसे जमा करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे ताकि पिताजी को जेल से छुड़ा सके और फिर मैं ब्याह करूंगी। मगर उन्होंने मजबूर कर दिया, कहने लगे तुम्हारी सारी जिम्मेदारी आज से मेरी है। आज वो आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। जिन ख्वाबों को तूने मन में बसा रखा है उन्हें भूल जा। मगर क्यों? एक पुलिस अफसर खूनी की बेटी से शादी करेगा? लेकिन पिताजी निर्दोष हैं, उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। वो निर्दोष है तेरी नजर में, मेरी नजर में, लेकिन हम लोगों की सुनता ही कौन है? पुलिस कहती है कि वो मुजरिम है, कानून कहता है कि वो मुजरिम है। माँ वो आ गए हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। पिताजी शोर मत कर, दरवाजा बंद कर दे। आ गए आप, उन लोगों ने छोड़ दिया। वो मुझे क्या छोड़ेंगे, मैं उन्हें छोड़ आया हूँ, मैं जेल से भाग कर आया हूँ। तुम दोनों खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों तक रही हो? इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंच जाए हम कहीं दूर भाग जाएंगे। कमला मेरे कपड़े ले आओ, मैं ये कलर कपड़े जिससे दूर कर बैठ जाता हूँ। माँ
हेलो पुलिस स्टेशन जल्दी करो लेकिन कानून से बचकर हम जाएंगे कहीं भी एक बार कह जो दिया मुझे डर लगता है ओफो अगर तुम चाहते क्या हो क्या मैं फिर उसी नरक में चला जाऊं भगवान तंग आ गया हूं जिंदगी से वापस जेल जाने से तो मर जाना बेहतर है तो पहले ये छुरी मेरे सीने में भोग दी थी पिताजी आप जो कहेंगे वही होगा आप जान जाएंगे मैं हम चलने के लिए तैयार है अच्छा तो चलो मेरे साथ चलो कौन हो तुम यही है वो ये तुमसे आशीर्वाद लेने आए हैं कि अपनी बेटी का हाथ इनके हाथ में दे दो वो भी होगा लेकिन आप पहले अपना हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए मतलब आप जेल से भागे हुए कैदी हैं और मैं पुलिस अफसर हूं आप एक जुर्म को छुपाने के लिए दूसरा जुर्म करना चाहते हैं मेरे पिताजी निर्दोष है श्याम दुनिया ने उनके साथ जो जुर्म किया है उसके कारण वो अपना होश खो बैठे मैं जेल नहीं जाऊंगा अपना सिर टकरा कर यहीं मर जाऊंगा आप आराम से खड़े रहिएगा जब तक पुलिस नहीं आती श्याम श्याम ये जुर्म ना करो पिताजी को फिर जेल जाना पड़ा तो भगवान ना करे मैं माँ के जुआ की भीख मांगती हूँ तुमसे नीता क्या तुम एक बेईमान आदमी की पत्नी बनना पसंद करोगी श्याम मेरे पिताजी को बचा लो श्याम मेरे पिताजी को बचा लो नहीं तो ये घर बर्बाद हो जाएगा हम ये सम्मान कभी बर्बाद नहीं कर सकेंगे मैं तुम्हारे प्यार की सौगंध खाकर कहती हूँ मेरे पिताजी निर्दोष हैं मुझे भी तुम्हारे प्यार की सौगंध है नीता अगर ये निर्दोष है तो मैंने छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा तुम पुलिस वालों का मुझे कोई एतबार नहीं पहले भी पुलिस वालों ने कहा था ये निर्दोष है तुम्हें छोड़ दिया जाएगा लेकिन हुआ क्या क्या मिला मुझे जेल की चक्की पीसकर और तपती धूप में सड़क के पत्थर तोड़ तोड़ कर हाथों में ये चाले तुम्हारा कानून अंधा है बेरहम है कानून सच्चाई और इंसान की रक्षा के लिए बना है मगर कभी कभी उसे भी धोखा हो सकता है क्योंकि कानून का तराजू हम इंसानों के हाथ में है मैं इस केस के तहत तक पहुँच कर सच्चाई की खोज करूंगा तुम्हारी खोज पूरी होने तक तो हम मिट जाएंगे श्याम नीता जिस तरह मैं अपने प्यार को रुसवा नहीं कर सकता उसी तरह अपने फर्ज को भी शर्मिंदा नहीं कर सकता कानून फर्ज सुनते सुनते मैं तंग आ गई हूँ लेकिन तुमने कभी ये भी सोचा कि जिसने तुम्हें अपना जीवन सौंप दिया उसकी तरफ भी तो तुम्हारा कोई फर्ज है क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी सारी जिम्मेदारियां सब तुम्हारी है यही सोच के तो सब कुछ कर रहा हूं पिताजी नीता मैं फिर आऊंगा उस घर में कदम रखा चली जाइए यहाँ से नीता मैं कुछ नहीं सुनना चाहती मैं नहीं जानती थी कि मैंने इंसान को नहीं पत्थर को चाहा है आप चले जाइए फिर कभी मत आइए ये सर ये है अदालत के फैसले की नकल थैंक यू रामदेव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मौके की शहादतों के बयान के मुताबिक रामदेव के चिल्लाने की आवाज सुनकर अनोखे लाल मेहता और फर्म के दूसरे मुलाजिम श्याम लाल मेहता के कमरे की तरफ भागे दाखिल हुए तो देखा तिजोरी खुली पड़ी है जमीन पर बहुत से नोट बिखरे हैं जिनके पास ही श्याम लाल मेहता खून में लथपथ मरा पड़ा जरा फासले पर रामदेव दाएं हाथ में चाकू लिए खड़ा चिल्ला रहा है खून 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 रामदेव के दोनों हाथ और चाकू खून से भरे हैं इससे साफ जाहिर है कि रामदेव ने रुपए चुराने की गर्ज से श्याम लाल का कत्ल किया Thank you.
श्याम, आज बहुत परेशान नजर आ रहे हो। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं। काश ये सच होता। ये सच है लिली, तुम्हारे करीब आकर मुझे बड़ी राहत मिलती है। सच? तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मर्दों की फितरत ही ऐसी होती है। लिली, औरत वो हसीन पहली है जिसे समझने के लिए इंसान बार बार गलती करता है मगर फिर भी समझ नहीं पाता। ये पहली मैं समझाऊंगी। प्रॉमिस? पहले गलती तो करो। लिली, तुम्हें समझने के लिए मैं क्या हजारों गलतियां कर सकता हूं मगर मैं शराब नहीं पीता। क्यों? जिंदगी का नशा ही मेरे लिए काफी है। डार्लिंग, मेरे कपड़े वहां रह गए और अब मैं बाहर भी नहीं आ सकती। जरा दे दो। श्याम, तुम दुनिया भर में दवाएं बेचते हो मगर अपने दर्द का इलाज नहीं कर सकते। मैं बता सकती हूँ तुम्हारे दर्द की दवा, क्योंकि मैं प्यार की कदर करना चाहती हूँ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बताओ ना। दिली, वक्त आने में सब कुछ बदला दूंगा। ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे। लेकिन जब औरत अपने दिल में कुछ ठान लेती है तो उसे पाकर ही रहती है। बीए फर्स्ट डिवीजन, गुड गुड क्वालिफिकेशन। आपके पिता का नाम? रामदेव। क्या काम करते हैं? क्या बात है जी? जी वो जेल में है। जेल में? एक खून के इल्जाम में उन्हें बेकसूर पकड़ लिया गया। आई एम सॉरी, एक मुलजिम की बेटी को मुलाजिम नहीं रख सकते, फर्म की बदनामी होती है। नेक्स्ट। नीता, नीता। मैं आपकी नीता नहीं। तुम्हें हो क्या गया है? मुझे परेशान मत कीजिए। मेरी बात तो सुनो। मेरा पीछा मत कीजिए, नहीं तो मैं। नीता, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी नजर में बहुत बुरा आदमी हूँ, लेकिन मैंने कोई बुराई नहीं की। बुराई नहीं की तो फिर सफाई किस बात की पेश कर रहे हैं? नीता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पिताजी के बारे में। हम लोगों को हमारे हाल पर छोड़ दो, हम पर पहले ही आपकी बहुत सी मेहरबानियां हैं। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे पिताजी की बेहतरी के लिए किया है, अपना फर्ज जान के किया है। तो आप अपना फर्ज निभाइए और मुझे भूल जाइए। नीता, ये तुम कह रही हो? हाँ, समझ लीजिए कि मैं आपकी जिंदगी में कभी नहीं आई थी। तुमने तो कह दिया, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? मिस्टर शाह, दिल इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी है, दुश्मन भी। इसे मौका न दीजिए कि आपका भी दुश्मन बन जाए। दोस्ती का हाथ पहचाना नहीं? मेम साहब, चोर और कोतवाल का इश्क अच्छा नहीं होता। चलिए अंदर। बॉस, इंस्पेक्टर शाम के साथ जिस तरह लिली का मेलजोल बढ़ रहा है हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लिली, इंस्पेक्टर शाम के हाथों बिकने से पहले अच्छी तरह सोच लो। बॉस, मैं इतनी बेवकूफ नहीं जो अपने दिल की खातिर अपनी जिंदगी से खेलो। यही हम तुमसे कहने वाले थे,
हमसे दगा करने वाले की सजा मौत है। लेकिन मुझे जिंदगी से प्यार है, इसलिए खुद बिकने के बजाय इंस्पेक्टर शाम को खरीदना चाहती हूँ। ये अगर ठीक है तो हम बहुत खुश है तुमसे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप जोगी को हुक्म दे कि चंद हफ्तों के लिए जो मैं कहूँ ये वो ही करेगा। हमें मंजूर है, अब तुम जा सकती हो। आप मुझे नहीं जानती, कुछ बरस हुए बाहर चला गया था, आज ही लौटा। रामदेव जी के बारे में सुनकर मैं फौरन चला आया, न जाने आप लोग किस हाल में होंगे। देखिए दोस्ती के नाते आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज है ना। नहीं नहीं, आपका यही बहुत बड़ा एहसान है हम पर जो आपने यहाँ आने की तकलीफ की। मुश्किल में तो भगवान भी साथ छोड़ देता है। लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ कि रामदेव जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो मेरी नीता को किस तरह नौकरी दिलवा दीजिएगा। इसे नौकरी मिल जाए तो हमारे सब काम ठीक हो जाएंगे। जैसे आप कहें, यहाँ बहुत सी कंपनी मेरी जान पहचान है, मैं कल ही बात करके नीता को नौकरी दिलवा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा नमस्कार। मिस जुरी, यह है मिस नीता, हमारी नई रिसेप्शनिस्ट। इन्हें यहाँ का कामकाज अच्छी तरह समझा दो। ये सर, कल की रिजर्वेशन के चार्ट में लेकर आती हूँ। नीता, काम पसंद आया? देखो इस तरह मेहनत से और दिल लगाकर काम करती है, मौका मिलने पर मैं तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी दिलवा दूँ जहाँ तुम्हें तनख्वाह भी ज्यादा मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हीरालाल ज्वेलर्स के केस के बारे में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन अभी तक उन मुजरिमों को पता नहीं चला। मुजरिम गिरफ्तार होने ही चाहिए, किसी न किसी तरह उनका पता लगाओ। ओके सर। देवी, सेठ पे सुमन लुधानी के नाम का कोई कमरा बुक है इधर? हमने टेलीग्राम दिया था। सेठ जी, आपका कमरा बुक हो चुका है। अच्छा। आप ये रजिस्टर भर दीजिए और यहाँ दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत? हिंदी में कि सिंधी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में? अच्छा तो दस्तखत हम कर देता है, बाकी तुम भर लो। आइए सेठ जी। हेलो ऑपरेटर, 353333। हाँ हेलो। जी हाँ, मैं हीरालाल बोलता हूँ। अरे हीरालाल, वड़ी में पे सुमन लुधानी बात करता है। अरे हाँ हाँ, हीरे लेके आया है, मीटिंग इब्बी आओ ना है। अरे हम तो तेरे ही वास्ते डर आया है। आओ बस, काम खत्म करके रात की ट्रेन से वापस है? अच्छा पर जल्दी आओ नी। मैं आता हूँ, जल्दी आता हूँ। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, राम 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 राम। बैठो बैठो बैठो। बोलो कैसे हो? लाओ हीरे दिखाओ। अरे हीरे तो दिखाता है, पर तुम रुपया केस लाया है कि नहीं? लाया हूँ सेठ जी, ऐसी भी क्या बेतबारी? बड़ी बेतबारी का बात नहीं है, देखो ना, तुम भी सेठ हम भी सेठ, काले बाजार का धंधा है। बात खड़ी होनी चाहिए। जय राधे कृष्ण। ये देखो, जय राधे कृष्ण, इनके दाम बोलिए। अरे बड़ी, तुमसे दाम तो बड़ी ज्यादा लेंगे। अरे तुम्हारे लिए एक दाम बस 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख। जय राधे कृष्ण, जय राधे। ये लीजिए। अच्छा फिर कब आएंगे? अरे बड़ी, अब तो आना जाना तो होता ही रहेगा। हा? अच्छा तो मैं चलूं। जय राधे। पर आपने कुछ ठंडा गरम तो पिया नहीं? अजी आप भी सेठ हैं, हम भी सेठ हैं, ठंडा गरम तो लेन देन में होता ही रहता है। अच्छा जय राधे कृष्ण। अच्छा राम राम। जय राधे कृष्ण। राम राम। जय राधे कृष्ण। जय राधे कृष्ण। अरे ऑपरेटर, हमको प्रोपराइटर दियो।
प्रोपराइटर, वड़ी हम पेस्टुमल लुधानी बात करता है, वड़ी तुम्हारे लिए हुक्म निकल आया है, हमको आज रात कलकत्ता एक्सप्रेस से इलाहाबाद का एक सीट फर्स्ट क्लास का खप्पे है, खप्पे मतलब है मांगता है, है? वड़ी कुछ करो पर हमको सीट मांगता है। अच्छा, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ओ राम राम प्रोपराइटर साहब, राम राम। ये लीजिए सेठ जी अपना टिकट। अरे हमारा टिकट आप खुद लेके आया? मैंने कहा इस बहाने आपके दर्शन भी हो जाएंगे। बड़ा तकलीफ किया आपने हमारे लिए। तकलीफ तो इस बात की है सेठ जी कि आप आज आए और आज ही चल दिए, सेवा का मौका ही नहीं दिया आपको। बड़ी प्रोपराइटर साहब, अब तो हम आपको बहुत सेवा का मौका देगा, हमारा आना जाना तो अब होता ही रहेगा। जी हाँ जी हाँ। प्रोपराइटर साहब आप एक काम करो, हमारे वास्ते टैक्सी मंगा दो जल्दी से। आप तैयार हो जाइए, मैं टैक्सी के लिए अभी कह देता हूँ। अच्छा बस, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ी मेहरबानी। टिकट बम्बई इलाहाबाद। कब जाएगा? 9:30 बजे इगतपुरी स्टेशन पे मिल जाएगा। बड़ी ठीक है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? बड़ी पक्का वेजिटेरियन, मुर्गी पापड़ जरूर ले आना। यस सर। अच्छा हाँ, ये डब्बा है। ओ यहाँ तो डब्बा ही नहीं। हाँ चलो जल्दी करो, सामान अंदर डालो, हरी आप। ए तुम कहाँ जाता है, बाहर आओ इडियट। सब पैसा हमारे पास 100 रुपए का नोट है, चिल्लर है? ये तो 1 रुपए का नोट है। ओ कोई बात नहीं, कल आना। आपने इस्तेमाल करिए, बहुत काम की चीज है ये, मैंने हवाई जहाज में सीखा है, वहां कानों में हवा भर जाती है और यहां कोयला। लीजिए शॉप फरमाइए, लीजिए लीजिए। साईं, अपना अखबार पढ़िए। अकेले ही जा रही है? कोई साथ है? शुक्रिया। आप कहां तक जा रही है? नासिक। अच्छा अच्छा, आप वहां रहती? वहां काम करती हूँ, भारतीय नृत्यशाला में नाच सिखाती हूँ। ओ आप नाच सिखाती हैं, वेरी गुड वेरी गुड। आपका नाम क्या है? कलावती। मेरा नाम प्यारे, मेरा मतलब है मिस्टर प्यारे लाल, लेकिन मेरे यार दोस्त, मेरे चाहने वाले मुझे प्यार से प्यारे कहते। प्यारे प्यारे प्यारे, क्या काम करते हो तुम? मैं कुछ नहीं करता, बिल्कुल कुछ नहीं करता, मैं तो घर का रईस हूँ। कुछ करने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी जिंदगी का आखिर मकसद क्या है, तो समझिए आप। नहीं समझे आप, यही तो मुसीबत है, मेरे घर वाले भी नहीं समझते, इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर सका,
देश के लाखों करोड़ों नौजवान ये नहीं समझ सके कि उन्हें क्या करना चाहिए। आपकी बात और आपकी इन खूबसूरत अदाओं से लगता है कि आप सिर्फ नृत्य कला के लिए ही पैदा हुई हैं और मैं कला का पुजारी हूं। वाह 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 वाह, आप ये संतरे जैसी आंखें, ये सुराईदार होंठ, वाह। एक तो पुड़ी आ गया और वो चड़ी कपड़ खाने वाला नहीं लेके आया खाना। खाना मिस कलावती, जस्ट कलावती। ओह वन एंड द सेम थिंग, मैं खाने का ऑर्डर देना ही भूल गया था। रिफ्रेशमेंट रूम में चलकर खाएंगे, यहाँ आते आते ठंडा हो जाता है। ओके ओके, आइए आइए। हेलो हेलो हेलो, आइए आइए बैठिए बैठिए, सिट डाउन। थैंक यू बॉय, बेरा बटलर। श्योर मुझे चाहिए, लोग क्या कहेंगे? देर हो रही है बॉय बेरा, पर आप आराम से बैठिए ना, अभी हमारी गाड़ी छूटने में बहुत वक्त है। बोलिए साहब, हम यहाँ बोलने के लिए नहीं खाने के लिए आए हैं। पर साहब बोले बगैर खाना कहाँ से मिलेगा? वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी शाकाहारी मटन स्पेशल, मटन फ्राई, मटन मसाला, मटन कुर्मा, मटन कीमा या कोका कोला। साहब के लिए आलू मटर बिरयानी और गरम गरम फुलके। और मेम साहब आपके लिए? कहिए ना मैं क्या खाऊं। मेम साहब वही खाएगा जो हम खाएगा। अच्छा साहब, मेम साहब और देखो इधर इधर, और हमारे लिए गरम गरम चटनी लाना। देखिए साहब आपको जो कुछ कहना हो एक बार कह डालिए, मुझे बहुत काम है। ओके ओके okay. हमारे लिए गरम गरम चटनी लाना, ठीक है? गरम गरम चटनी। हरी आप हरी आप सर। अरे बड़ी पापड़ किधर है? लाता हूँ साहब, जल्दी करो। वेरी गुड फूड। अरे गाड़ी छूट रही है। हमारी गाड़ी नहीं, बंबई जाने वाली गाड़ी की रिसे। ओह थैंक गॉड, मैं डर गया था। साहब कहाँ जा रहे हैं आप? जहन डब्बे। साहब खाली पीली गरम काय को होते हो, वो तो कलकत्ता एक्सप्रेस जा रही थी इसलिए मैंने पूछा। साहब बिल मेम साहब से ले लो। मेम साहब तो चली गई। सर चली गई 8 रुपए साहब। अरे ये लो 10 रुपए। अरे ओ ओ अरे हेलो, मेरा सामान। गाड़ी रोको। स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर। उस कमरे में। अरे सर मैं आई कम इन। स्टेशन मास्टर साहब। क्या? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? ट्रेन चली गई। ट्रेन चली गई? ट्रेन को तो जा रही था। और मेरा सामान भी चला गया। ये देखिए टिकट, ये आपकी कौन सी पुरी है? इगतपुरी। मैं तो यहाँ फंस गया हूँ। आप फिक्र ना कीजिए, मैं अभी टेलीफोन पर कह देता हूँ कि अगले स्टेशन पर आपका सामान उतार लें। सामान वहाँ, मैं यहाँ। अगली ट्रेन से आपको भी भेज दिया जाएगा। अच्छा धन्यवाद। ना सर। यस हाँ हाँ, गाड़ी पहुंचते ही सामान हम उतरवा लेंगे। क्या कहा? मिस्टर प्यारेलाल फर्स्ट क्लास बी कंपार्टमेंट।
कौन मुसाफिर इस डब्बे में सफर कर रहे थे? एक लड़की थी जो इगतपुरी स्टेशन पर उतर गई होगी, उसका टिकट इगतपुरी तक का था, और एक साहब जिनका नाम प्यारे लाल। प्यारे लाल जो इगतपुरी स्टेशन पर ट्रेन मिस कर गए, जिनके सामान के लिए हमें टेलीफोन आया था। ओ आई सी। यस क्या? हाँ मिस्टर प्यारे लाल, हाँ वो यही है। अच्छा अच्छा, उस आदमी पर निगरानी रखना, लेकिन उसे मालूम ना होने पाए। साहब माचिस है जी, मैं बीड़ी नहीं पीता। मुलाचे संगोपन उत्तम होते, माताचे आरोग्य उत्तम राहते, छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब। सुनिए ट्रेन कब आने वाली है? अभी आने वाली है। कोई मेरा सामान लाओ। एक चालू चाहिए ना। आप स्टेशन मास्टर हैं? जी हाँ। मैं प्यारे लाल हूँ, लाइए मेरा सामान। ओ हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, आइए चलिए आइए। ओ मिल गया मेरा सामान, यही है। थैंक यू। और ये खामोश, तुम समझते हो तुम्हारी बातों पर यकीन करके हम तुम्हें छोड़ देंगे? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं बोलता हूँ तो आप कहते हैं खामोश, मैं खामोश रहता हूँ तो आप बोलते हैं ऊंचा बोलो, मैं सोता हूँ तो आप बोलते हैं जागते रहो, दिस इज माय ऑर्डर। मैं कातिल नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। अगर ये खून तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? और जब तुम इगतपुरी स्टेशन पर खाना खाने के लिए उतरे तो क्या कंपार्टमेंट में कोई और भी था? सेठ जी जिंदा या मुर्दा? भोजन कर रहे थे, भोजन। तुम रिफ्रेशमेंट रूम में किस लिए गए थे? खाना खाने के लिए, हर इंसान को भूख लगती है। खाना कंपार्टमेंट में भी आ सकता था, तो रिफ्रेशमेंट रूम में जाने की वजह? एक लड़की। ओ यस सर, कंपार्टमेंट में एक लड़की थी, कहने लगी कि भोजन वहीं करेंगे। तुम उस लड़की को पहले से जानते हो? नहीं सर, पहली मुलाकात थी। उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, वो शर्माई, मैं जरा ज्यादा शर्माया। उसके बाद हमारी आपस में गुफ्तगू हुई, उसने मुझे प्यार से नागपुरी संतरा दिया,
और फिर हम दोनों खाना खाने के लिए रिफ्रेशमेंट रूम में चले गए। उसके बाद सर वो लड़की वहां से अचानक गायब हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन चलने से पहले लड़की अपने कंपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। सर मुझे मालूम नहीं। तो फिर किसे मालूम है? सर मुझे मालूम नहीं, मैं हाथ धो के मुड़ा तो लड़की वहां से जा चुकी थी, दौड़ के प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। क्या नाम बता? प्यारे लाल। प्यारे लाल जी, अगर 20-25 लड़कियां तुम्हें दिखा दी जाए तो क्या तुम उस लड़की को पहचान सकते हो? सर 20-25 तो क्या, कलावती को मैं लाखों में पहचान लूं। कलावती? हाँ सर, उसने मुझे अपना पता भी दिया है, इसी शहर में भारतीय नृत्यशाला में नाच सिखाती है। आई थिंक शी इज टीचिंग तांडव नृत्य। प्यारे लाल जी, हो सकता है ये खून आपने न किया हो। मैंने अगर खून नहीं किया तो मुझे जाने दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्वेस्टिगेशन। प्यारे लाल जी, जब तक हमें मिस कलावती का पता नहीं चलता है, हम आपको नहीं छोड़ सकते। और फिर जो एड्रेस आपने बताया वहां चलेंगे साथ में। साथ में सर? साथ में। भारतीय नृत्यशाला मिल गया, चलो जल्दी करो। चपड़ासी महाशय। कौन चाहिए जी? यहां पर कोई मिस कलावती है? हाँ जी, वो यहां नाच सिखाती है। वेरी गुड, ठीक है, हमें उन्हीं से काम है, जल्दी मिलवा दीजिए। वो अभी रिहर्सल करवा रही है, थोड़ी देर आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, हम बैठेंगे। आप बैठिए, आप बैठ जाए। धन्यवाद। अच्छा
मेरा नाम कलावती है, कहिए क्या काम है? गड़बड़ हो गई, ये वो लड़की नहीं है। यहाँ पर कोई और कलावती? जी नहीं, सिर्फ मैं हूँ। माफ कीजिए, नाम से धोखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़की ने तुम्हें अपना नाम और पता गलत बताया। रेलवे रिजर्वेशन के मुताबिक उसका नाम गीता है और उसका टिकट इगतपुरी तक का था। लेकिन मेरे साथ धोखा करने से उसको फायदा? सेठ पेशुमल के कत्ल से इस लड़की का जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है, इसलिए वो नहीं चाहती कि तुम्हें मालूम हो उसका असली नाम या पता। कमाल है, इतनी खूबसूरत लड़की मगर ऐसी खतरनाक और चालाक। प्यारे, जब तक उस लड़की का पता नहीं चलता तुम मेरे साथ रहोगे, क्योंकि लड़की को सिर्फ तुम ही पहचानते। इसका मतलब यह है मैं तुम्हारा कैदी हूँ? कैदी नहीं, मेरे साथी। आपका साथी? साथी जी, मैं आपके साथ घूम घूम के तंग आ गया हूँ। बात यह है मेरे यहाँ कुछ रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनको मिलने जा सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर जा सकते हो, लेकिन जल्दी वापस लौट आना। हाँ, और ये गाड़ी तुम्हें ले जाएगी और ये गाड़ी तुम वापस ले आएगी। नहीं नहीं, मैं पुलिस की गाड़ी में जाऊंगा, मेरे रिश्तेदार लोग ये सोचेंगे मैं कोई चोर उचक्का हूँ, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ हाँ, भरोसा क्यों नहीं। चलो मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ आता हूँ। ये 30 रुपए लो, और चाहिए होंगे तो बाद में मिल जाएंगे। इतने पैसे 10 ही काफी हैं। टैक्सी मीटर डाउन कराओ, कम ऑन हरी, आज जल्दी कराओ। आई मीन हरी, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ओह नो, आई डोंट वांट। ए टांगा, मीटर डाउन कराओ, चलो जल्दी कराओ, हरी अप, कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम। इस पे नजर रखना। बनाए तूने? 3। अरे तू तो मेरे से बहुत ही पीछे है, क्या फैमिली प्लानिंग बनाने का इरादा है? मेरे हाँ तो भगवान की देन से पूरे 7 हैं और 8वां आने वाला है। माता जी, मुझे भी अपना बच्चा समझ लीजिए, लेकिन मुझे फोन तो करने दीजिए। शर्म नहीं आती जवान औरतों को माँ बोलते हुए? अरे माँ होगी तो गुटी छेड़ी, चल दफा उधर से। मैं जरा टेलीफोन कर लूं। हेलो, पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर श्याम को फोन दीजिए, जल्दी करिए जल्दी। हेलो इंस्पेक्टर श्याम, मैं प्यारे लाल बोल रहा हूं। हाँ, अरे भाई टेलीफोन से बोल रहा हूं, और क्या, देखो जिस लड़की की हमें तलाश है ना वो यही है। हाँ, मैं भारत टूरिस्ट लॉज की नुक्कड़ पर जो पहली गली है ना, तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आओ, फौरन आओ। कितने पैसे हुए? कितने रुपए? 9 जाने अभी तक नहीं आया। ओ, चलो, होल्ड होल्ड।
और मशीन क्या करते हो? चलो मजा आ गया। थैंक यू फॉर कमिंग इंस्पेक्टर श्याम। मैं क्या बोलता था, ये लड़की मुझसे बच के कहां जाएगी? देखा, पकड़ लिया। अरे लड़कियां, तूने तुमने उसे इसी कमरे में आते हुए देखा था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इसी कमरा नंबर 8 में जाते हुए। तो लड़की कहां गई? पता नहीं कहां गई, उसने हमें फिर उल्लू बनाया। अरे क्या हो गया, कहां चल दिए? अभी अभी कमरा नंबर 8 में कौन था? मिस प्रभावती। प्रभावती, लेकिन उसने तो अपना नाम लेकिन इस वक्त वो कमरे में नहीं। कुछ ही देर पहले स्टेशन पर गई हैं और अभी अभी कलकत्ता एक्सप्रेस से मुंबई जा रही। थैंक यू। गाड़ी लेकर इगत पुलिस स्टेशन पर मिलो। पता नहीं कहां छिप गई है, लड़की तो नहीं मिली। तुम्हें मुंबई जाना होगा। ओके कमान, लेट्स गो। पहुंच रहे हैं।
चल चल। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता। चल, जब तक लड़की नहीं मिलती मैं तुम्हें चैन से सोने नहीं दूंगा। यस प्लीज। हाँ, कल जो लोग कलकत्ता एक्सप्रेस से गए थे मैं उनका रिजर्वेशन चार्ट देखना चाहता हूँ। बैठियो। बी कंपार्टमेंट मिस्टर प्यारेलाल, बुकिंग प्यारेलाल। सेठ पेसुमल, बुकिंग मेहता एंड कंपनी ट्रेवल एजेंट्स। मिस गीता, बुकिंग मेहता एंड कंपनी ट्रेवल एजेंट्स। मेहता एंड कंपनी। जी हाँ, परसों हमने कलकत्ता एक्सप्रेस से दो सीटें बुक की। क्या जी? हाँ जी। नंबर वन पिसुमल लुधानी, उन्होंने बुकिंग होटल हिडटॉप से की है। क्यों जी? हाँ जी। नंबर टू मिस गीता, बुकिंग उन्होंने खुद की है। पता है यंग गर्ल्स हॉस्टल बांद्रा 50। हाँ जी। हाँ जी। चलिए जी। हाँ, शुक्रिया। तुम्हें समस्त समय निवेदन किया गया है कि कार्यालय में समय पे आया करो, परंतु गुड इवनिंग मैडम। नमस्कार। परंतु लज्जा का विषय है कि विशुद्ध भारतीय होते हुए भी आंग्ल भाषा का प्रयोग करते हैं। आप कौन सी बोली बोल रही हैं? हे प्रभु, इन्हें क्षमा करो, ये अपनी संस्कृति और भाषा भी भूल गए हैं। कहिए, किस कार्य हेतु आपका आगमन हुआ है? हम कुमारी गीता से साक्षात्कार होना चाहते हैं। साक्षात्कार करना चाहते हैं। तुम जाओ। विराजी, कौन सी गीता? विराजी, ये सोए हैं क्या? कौन सी गीता? गीता कपूर, गीता खोसला, गीता पांडे, गीता वर्मा? किंतु महाशय, उनसे मिलने का कारण? ओ, हमारे यहाँ 6 गीताएं हैं। क्या आप सबको यहाँ उपस्थित कर सकती? अवश्य। शीला, सब गीताओं को बुलाओ। नमस्ते। इनमें से तो हमारे काम की कोई गीता नहीं है। आप इन्हें जाने दीजिए। तुम सब जाओ। 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन छठवीं गीता कहाँ है? छठी गीता मैं स्वयं हूँ। माता जी, आप? कोई छोटी गीता नहीं? जी हाँ, ऊपर मेरे कमरे में एक छोटी गीता है, भगवत गीता। कहे तो उसे भी उपस्थित करूँ। नहीं नहीं, कष्ट मत कीजिए। एनीवे, गुड नाइट। शुभ रात्रि। मुझे स्वीट या डबल रूम चाहिए। वी आर सॉरी सर, इसमें कोई स्वीट या डबल रूम नहीं है, सिंगल है। लेकिन हम दो आदमी हैं और मैं दो सिंगल रूम ले लीजिए सर। ओके। ये रूम पास पास में है? सॉरी सर, पास पास तो नहीं। मिल लो। थैंक यू सर। योर नेम सर?
मिस्टर श्याम कुमार इन प्यारेलाल। एड्रेस 194 मेन स्ट्रीट पूना। योर बिजनेस? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। विल यू प्लीज साइन हियर। नीता, तुम यहाँ? जी मैं यहाँ रिसेप्शनिस्ट। मेरी बात तो सुनो। माफ कीजिएगा। ये लीजिए। तुम्हें? सुनो, ये रही रूम की चाबी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नीता, नीता मैं जानता हूं मुझे मिलने से तुम्हें परेशानी होती है, लेकिन मैं तुम्हें यह कह देना बहुत जरूरी समझता हूं कि जिस जगह तुम काम करती हो वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। अच्छे लोग कैसे होते हैं मैं देख चुकी हूं, और फिर एक खूनी की बेटी के साथ आपको बातचीत करते हुए कोई देख ले तो? खामखा की जिद मत करो नीता, आखिर खून तो तुम्हारे पिता ने किया, उसकी सजा अपने आप को देने से क्या फायदा। और मैं पुलिस की रिपोर्ट देख चुका हूं, अदालत के फैसले को पढ़ चुका हूं, हर सबूत हर शहादत उनके खिलाफ है। वो सबूत बनाए गए हैं, वो शहादतें बनाई गई हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो? मेरे पिताजी जब उस कमरे में दाखिल हुए तो फर्म का मालिक खून में लथपथ पड़ा था। पिताजी ने आगे बढ़कर उसके सीने से चाकू निकाला और बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की, मगर जब कुछ न बन पड़ा तो वह घबरा के चीखे चिल्लाए, लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने ये न सोचा कि खूनी खून करके भागने की कोशिश करता है, चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाता नहीं अपने पास। नीता, आज तुमने मुझे एक नया नुक्ता समझाया। अगर तुम्हारे पिताजी वाकई निर्दोष हैं तो उन्हें बचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा वचन है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अगर आपका वचन पूरा करने में आपका फर्ज रास्ते में आए तो? हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स, मैं इंस्पेक्टर शान बोल रहा हूँ। ओके, कम इन। हाय हैंडसम। हाय लिले। पहले ये बताओ कहाँ थे तुम? एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, लेकिन तुमसे किसने बताया मैं यहाँ? शमा को कोई ये बताता नहीं कि परवाना कहाँ है। जहाँ शमा होती है वहाँ परवाना खुद ब खुद चला आता है। अच्छा, लेकिन शाम तुम्हारा तो अपना घर है, होटल में क्यों ठहरे हो? तुम्हारे करीब रहने के लिए। मैं नहीं मानती। क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे साथ कोई नाटक खेल रहे हो। विश्वास नहीं? तो कैसे विश्वास दिलाओ? हमेशा मेरी नजरों के सामने रहकर। आज रात तो मेरे मेहमान हो। होटल में खास प्रोग्राम है और आज साल की आखिरी रात है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास हो और नया साल शुरू हो। मंजूर है। इंसान खाए बिना जी सकता है, सोए बिना जी सकता है, लेकिन कपड़ों के ये
ये मेरे दोस्त हैं, इसी होटल में रहते हैं। चलो प्यारे खान के छुपे चलो बाहर निकलो। नहीं नहीं, मैं जमाने से बहुत शर्माता हूँ। क्यों, तुम लड़की हो? नहीं। लड़के हो? नहीं। तो फिर क्या? ओ नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। बात यह है, मैं लड़कियों से बहुत घबराता हूँ। लेकिन ये तो मेरी दोस्त मिस लिली है, इनसे छुपने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर तुम्हारी दोस्त को बोलो कि छिप जाए, मैं इनके सामने नंगा बाहर कैसे आ सकता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय बाय। श्याम, अपना वादा मत भूलना, और हाँ, अपने दोस्त को भी साथ ले आना। Why not? चली गई वापस। ये हुलिया क्या बना रखा? बात ये है, मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, जल्दी में कपड़ों के समेत नहा लिया, अब पहनने के लिए ये सिर्फ तौलिया बाकी है, वो भी अपना नहीं है। अच्छा कुछ पैसे लो, दुकानें अभी तक खुली हैं, किसी को भेज के कपड़े मंगा लो। अच्छा। और सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे हॉल में जाना, बहुत से लोग आ रहे हैं, हो सकता है गीता भी आ जाए। मैं तो कपड़े पहन के सो जाऊंगा, मुझे नींद आ रही है। हाँ, सोने के लिए तौलिया काफी है। तो फिर तौलिए की भी क्या आवश्यकता है? हाँ, कोई आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गए। नहीं नहीं, मैं आऊंगा। अच्छा, बात समझते तो हो, लेकिन जरा देर से। कोई बात नहीं। मैंने दिल अभी दिया नहीं, मैं अभी क्या जानू। मैंने दिल अभी दिया नहीं, मैं अभी क्या जानू। मैं हूँ नादान, तू अनजान, मैं कैसे मानू। अरे मैंने दिल अभी दिया नहीं, मैं अभी क्या जानू। मैंने दिल अभी दिया नहीं, मैं अभी क्या जानू। बस आज ही तो हम मिले हैं, बेचैन होठों पे गिले हैं, दो चार होंगी मुलाकातें, फिर होंगी प्यार वाली बातें। बस आज ही तो हम मिले हैं, बेचैन होठों पे गिले हैं, चार होंगी मुलाकातें, फिर होंगी प्यार भरी बातें। मैंने प्यार भी किया नहीं, मैं अभी क्या जानू। मैं हूँ नादान, तू अनजान, मैं कैसे मानू। और मैंने दिल अभी दिया नहीं, मैं अभी क्या जानू। मैंने दिल दिया नहीं, मैं अभी क्या जानू। जाम अभी पिया नहीं, मैं अभी क्या जानू। उफ, ये जाम अभी पिया नहीं, मैं अभी क्या जानू। मैं हूँ नादान, तू अनजान, मैं कैसे मानू। पर मैंने दिल अभी दिया नहीं, मैं अभी क्या जानू। Go!
Rita, my darling. This was heavy. ये क्या? ये रीता है या रावण? क्यों इस होटल में आए हो? मैं यहाँ सोने के लिए आया था। सच सच बता, वरना गला बोल दूंगा। मैं एक खूनी को पहचानने के लिए आया हूँ, एक लड़की है गीता। तुमने अगर गीता को पहचानने की कोशिश की मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अगर जीना चाहते हो अभी इस होटल से शहर से चले जाओ। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा भाई बाप। अगर तुमने वैसा नहीं किया मुझे ऐसा करना पड़ेगा। प्यारे 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 क्या बात है, तुम इतना घबराए हो क्यों? कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। थोड़ी देर पहले नींद के मारे तुम्हारी आंखें भी नहीं खुल रही थी, और अब? मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। ये मत भूलो तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बात कर रहे हो, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल भी भिजवा सकता हूँ। तुम मुझे जेल भिजवा दोगे, वो मुझे जान से मार डालेगा, मैं क्या करूँ क्या करूँ? कौन जान से मार डालेगा? जा दो जा दो। मैं ताला खोल के अंदर आया, अंदर एक भयानक आदमी था, उसने मेरा गला घोटना चाहा और कहने लगा अगर तुमने गीता को पहचानने की कोशिश की मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कमरे की चाबी कहाँ थी? मेरे पास थी। अगर तुम्हारे पास थी तो वो कमरे के अंदर कैसे आए? ये तो वही जाने। और उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं इस होटल को छोड़ के शहर को छोड़ के फौरन चला जाऊं। इसका मतलब ये हुआ कि इस कत्ल के पीछे गीता के अलावा कुछ और लोग भी हैं और ये होटल उनका अड्डा है। जानते हो जब हम लोग आ रहे थे हमारा पीछा कर रहे थे। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पे रहोगे। मुझे डर लग रहा है। मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें मेरा एतबार नहीं। चलो मेरे कमरे में मेरे साथ सो। तुम्हारा पजामा मुझे आ जाएगा। चलो कपड़े उतार कर सो जाओ। लेकिन मैं तो रात को पजामा पहन के सोता हूँ। मेरा नाइट सूट वहां पड़ा, ले लो। मैं आ गया। आओ सो जाओ। आप यहां सो जाइए, मैं वहां सो जाता हूं। मुझे तकिया दे दीजिए। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। लिली, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत परेशान हूँ दीदी। क्यों? मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और खास मुजरिमों को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया। मैं जानती हूँ। ये जानते हो कि तुम प्यार का नाटक रचा रही हो मुझे गुमराह करने के लिए? नहीं श्याम, मैंने सचमुच तुम्हें चाहा। तुम झूठ बोल रही हो, और लिली तुम क्या हो ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं जिन मुजरिमों की तलाश में आया हूँ वो उसी होटल में है और तुम्हारा उनके साथ मेलजोल है। अगर मैं चाहूँ लिली तो तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम पर तरस आता है। हो सकता है किसी दबाव या मजबूरी की वजह से ये सब कुछ तुम कर रही हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो लिली कि कानून जब उन्हें जंजीरों में जकड़े तुम भी उन्हीं के साथ हो। क्या चाहते हो तुम? उन लोगों के नाम। अगर तुम मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मुझे अपना लो। दिल के सौदे में शर्तें नहीं ठहराई जाती लिली। लेकिन यहाँ बातें करना मुनासिब नहीं, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं एक मिनट में ड्रेस चेंज करके आती हूँ।
जब तक तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। शाम है। कार नंबर KLP 4761 अभी अभी होटल हिल टॉप से निकली। गाड़ी और गाड़ी के लोगों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। सचिन पुलिस ने तुम्हें हिरासत में लिया, तुम कहां से आ रहे थे? इधर उधर घूम के सरकार, सवारी की तलाश में। मेरी गाड़ी प्राइवेट टैक्सी है। तुम्हारी गाड़ी कल रात हिलटॉप होटल पे थी? जी नहीं माय बाप। हम कहते थी, हमने खुद देखी है वहां। कोई दूसरी गाड़ी होगी इंस्पेक्टर साहब। तुम बकते हो। मैं सच कह रहा हूं। तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। आप यकीन करें या ना करें, कई दिन से मैं उस होटल में भी नहीं गया और मेरे अलावा कोई दूसरा वो गाड़ी चलाता भी नहीं। जरा यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर कपूर। यस सर। मेरे ख्याल है ये आदमी सच बोल रहा है, छोड़ दो सर। ये लो अपना लाइसेंस। मेहरबानी सरकार। इंस्पेक्टर श्याम, तुम्हें शहर छोड़ने के लिए कहा था। जी हाँ। तो फिर गए क्यों नहीं? आप यहां से छोड़ें तो शहर छोड़ के जाऊं ना। फिक्र ना करो। थैंक यू। दो चार दिन भूखे प्यासे रहोगे तो दुनिया ही छोड़ जाओगे। थाने, इस आदमी पर कड़ी निगरानी रखना। इसे खाने पीने के लिए कुछ ना दिया जाए। सत्तू भी नहीं मिलेगा। शट अप।
संतरा। और बेटा संतरा खाओ ट्रेन में। चले थे लड़की से प्यार करने प्यारे लाल जी, अब भगवान को प्यारे हो जाओगे। वहां बैठ के नागपुरी संतरे खाना। पानी पानी। अरे ये तो वही लड़की है जिसने ट्रेन में मुझे संतरा खिलाया था। मिल गई लड़की, मिल गई। इंस्पेक्टर शाम जल्दी आओ, लड़की मिल गई। अब मुझसे बच के कहां जाओगी? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से संतरा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। शाम जल्दी आओ, लड़की मिल गई। क्या कर रही हो? धोखा धोखा, एक शरीफ आदमी के साथ धोखा। अरे कहां चली गई? इंस्पेक्टर शाम। जो छोड़ दिया पुलिस ने तुम्हें? जी हाँ। तुम्हारा पीछा तो नहीं किसी ने? पीछा करेंगे जब कुछ शक हो मुझ पर, मैं तो साफ मुकर गया। गुड, वेरी गुड। देखो हमने राजा को भेजा था भिखारी के बेस में तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए। मिला तुम्हें? पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था, आता ही होगा। तुम प्यारे पर जरा निगरानी रखना। ओके बस। पुलिस को चकमा देके लो पियो बिंदास, तुम भी क्या याद करोगे? मैं भी कोका कोला पीऊंगा। जबरा ये राजा आजा, दो दो हाथ हो जावे। नहीं प्यारे लाल को छुड़ा के लेके गया और हमारे आदमी उसका मुंह तक तेरेगे। डूब मरो। सॉरी बॉस, अब क्या करना चाहिए? प्यारे लाल को ढूंढो और किसी तरह उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। ओके बॉस,
और हमारे सब आदमियों को ताकीद कर दो, अब उस जगह कोई न जाए। ओके बॉस। बस बस बहुत हो गया, मेरी छुट्टी करो। नहीं 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 प्यारे लाल जी, जब तक गीता और उसके बाकी साथी नहीं पकड़े जाते हैं तब तक तुम बंबई में रहोगे पुलिस की हिरासत में। बाहर जाने से हो सकता है कि वो लोग तुम्हारी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। कमाल है, मैं बंबई में कैसे रह सकता हूँ? न मेरे पास खाने के लिए कपड़े हैं, न पहनने के लिए पैसे हैं। नहीं नहीं नहीं, पहनने के लिए कपड़े दिए जाएंगे, खाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, बिल्कुल फिक्र मत करो। जितने पैसे चाहिए हमसे लो। अरे अरे, ये तो वही लड़की है, यही गीता है। अरे घन चक्कर, तुझे तो हर लड़की गीता नजर आती है। अरे मैं कह रहा हूँ कि यही गीता है, इसी लड़की के लिए तुमने मुझे पागल बना रखा है। लड़की बगल में और शहर में ढिंढोरा। यारे अच्छी तरह देखो इस तस्वीर की तरफ। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मालूम होता है कि तुम भी उन बदमाशों के साथ मिले हो, मैं तुमको पुलिस कमिश्नर के हवाले कर दूंगा। तुम्हें यकीन है कि यही गीता है? मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि यही गीता है, यही गीता है, यही गीता है। हिलटॉप होटल, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, मैं शाम बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। माफ कीजिएगा, मेरे पास फिजूल बातें करने के लिए वक्त नहीं। मैं पुलिस स्टेशन से CID इंस्पेक्टर की हैसियत से बोल रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त अपनी पुलिस की गाड़ी भेज के तुम्हें यहाँ बुलवा सकता हूँ, लेकिन लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। इसलिए तुम आज शाम को मुझे उसी झील के किनारे मिलोगी जहाँ जहाँ हमेशा मिला करते थे। नीता, ये सपना है या सच? सपना। अब चली जाइए, फिर कभी मत आइए। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी कठोर हो जाओगी। नीता, तुम्हें तो ये भी याद नहीं, कभी हमने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, कई वादे किए थे, कई सपने देखे थे। खैर, मुझसे भला ये काजल तेरा, मुझसे भला ये। नीता, तुम वो दिन भी भूल गई जब हम सारी दुनिया को भूल कर प्यार भरे नगमे गाते थे। निसोनिए निसोनिए कैसे नाम है प्रेमी पागल तेरा, तो संग लागे ने निसोनिए। Thank you.
बदन बरसता बादल तेरा प्यासे मेरे रे निसोनिए निसोनिए नीता, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं सुनने के लिए इंतजार कर रही हूं। इंसान बदल जाते हैं, इंसानों के नाम नहीं बदलते। मतलब? तुमने अपना नाम नीता कब से रखा? मेरा नाम नीता है, शायद आप भूल गए हैं। आपने ठीक ही कहा, इंसान बदल जाते हैं। तुम 30 दिसंबर को कलकत्ता एक्सप्रेस से नासिक क्या करने गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी, मैं यहीं थी। तुम झूठ बोल रही हो। ये झूठ नहीं है, और अगर हो भी तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप पूछने वाले कौन हैं? सेठ पेशुमल के कत्ल में तुम्हारे साथ कौन कौन लोग थे? मासूम बनने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ मुझे। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। श्याम, मैं न जानती थी कि तुम इतने गिर सकते हो। मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया है, इसलिए तुम अपनी हैसियत का फायदा उठाकर मुझसे बदला लेना चाहते हो, मुझे बदनाम करना चाहते हो। नीता, तुम्हें आखिरी बार ताकीद की जाती है, हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करो, लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आए। अब ट्रेनों में जितने भी कत्ल हुए हैं सर, वो सब हीरे और जवाहरात के लिए हुए। सभी लोग होटल हिलटॉप से रवाना हुए हैं और उनकी सीटें एक साथ मेहता एंड कंपनी ट्रेवल एजेंट्स के जरिए बुक की गई। और हर मर्डर में किसी ना किसी लड़की का हाथ जरूर रहा है। इस बार सर, जिस लड़की ने इनका साथ दिया है, मुझे कहते हुए शर्म आती है, वो मेरी होने वाली मंगेतर थी। वेल, एटलीस्ट आई एम ग्लैड के जाती ताल्लुकात ने तुम्हें अपने फर्ज से अलग होने नहीं दिया। सर, इन सब लोगों को गिरफ्तार करने के लिए हमें सबूत की जरूरत है, इसके लिए मैंने एक तरकीब सोची। हमारी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है, तुम जो जी में आए कर सकते हो। वेल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। Good show, pretty girls. Good morning, sir. Good morning to you. Good morning. आपका फोन आते ही होटल का बेहतरीन कमरा मैंने आपके लिए तैयार करवा दिया। Thank you very much. सुनिए, यहाँ किसी किस्म का खतरा तो नहीं है? हमारे पास बहुत कीमती सामान है। क्या है हमारे पास? बहुत कीमती सामान, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस होटल को अपने घर की तरह समझिए। I will. Thank you. आप यहाँ साइन कर दीजिए, बाकी सब हम भर लेंगे। All right. लॉर्ड गंगा सिंह। एक्सक्यूज मी सर, कहाँ के लॉर्ड हैं आप? है नहीं, किसी जमाने में थे लैंड लॉर्ड। लैंड यानी कि जमीन जो हमारी चली गई, अब हम सिर्फ लॉर्ड रह गए। क्या रह गए? लॉर्ड, गे लॉर्ड। आइए बेटा, साहब का सामान कमरे में पहुंचा दो। मेरे लायक और कोई सेवा हो तो आप फौरन हुक्म कर सकते हैं। कोई खास सेवा नहीं, सॉरी, हम यहाँ सिर्फ एक आध दिन के लिए आए हैं। कुछ डायमंड्स हैं हमारे पास। क्या है? डायमंड्स, जो हम बेचना चाहते हैं। यहाँ हीरे जवाहरात के जो बड़े व्यापारी हैं, उनमें से किसी का नाम बता सकते हैं आप? हीरों के सबसे बड़े व्यापारी को मैं आपके पास हाजिर किया देता हूँ। लेकिन एक बात है,
पैसे हम ब्लैक में लेते हैं। किस में लेते हैं? ब्लैक में। वो तो आप खुद बात कर सकते हैं, मैं उसे आपके पास भिजवा दूंगा, वो ना नहीं करेगा आपको। ठीक है, कल शाम को 4 बजे आप उनको मेरे पास भिजवा दीजिए, और कल कलकत्ता एक्सप्रेस से एक फर्स्ट क्लास का टिकट मेरे लिए मंगवा दीजिए फॉर कलकत्ता। जैसा हो। और देखिए, इन बैग्स में बड़े कीमती डायमंड्स हैं, इनका कमरे में रहना ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, इसे अपने घर की तरह समझिए। ओके। वाह वाह, क्या नायाब हीरा है। वाह वल्लाह हुजूर, लाख लाख रुपए का है, बाजार में बिकेगा तो 2-2 लाख का। कितने का? 2-2 लाख का। जी हाँ, अब बाकी हीरे बक्से में पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं? बक्से में। मगर मुझे इतने ही हीरे चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये देखिए, ये इतने ही रुपए हैं, ये देखिए। जितने भी रुपए हैं चलेंगे। क्या चलेंगे? रुपए। लेकिन मैं रसीद नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? रसीद। अरे गोली मारिए रसीद को, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जय राधे कृष्ण। क्या कहा? जय राधे कृष्ण। जय राधे कृष्ण। जय राधे कृष्ण। ये लीजिए सरकार, आपकी ट्रेन का टिकट। आपका सारा काम ठीक हो गया ना? वेल, अभी सारा काम तो ठीक नहीं हुआ, सिर्फ 5-6 हीरों के रुपए थे उसके पास। अभी हमारे पास बहुत सारे हीरे बाकी हैं, पर इट्स ऑल राइट, 5-6 महीनों के लिए बहुत रुपया है हमारे पास, बाद में देखा जाएगा। जी बाय द वे, प्लीज कीप माय बिल रेडी, मैं भी नीचे आता हूं, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। जी हसीन गलती आप बार बार कर सकती हैं। जी आपकी आवाज सुनकर ऐसे लगता है जैसे मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ, लेकिन कहाँ कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं बताऊं? कहां? ख्यालों में। हर इंसान अपने दिल में एक तस्वीर लिए फिरता है जिसे वो बहुत चाहता है, और अचानक जब वो सूरत उसके सामने आती है तो उसे ऐसे लगता है कि एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, लेकिन नाम याद नहीं। My name is प्रिया। My name is प्रिया। जस्ट प्रिया। प्रिया, हम लोगों ने तो खाने का ऑर्डर ही नहीं किया है। रिफ्रेशमेंट रूम में चलकर ही खाते हैं, यहाँ आते आते ठंडा हो जाएगा। करेक्ट, कम ऑन कम ऑन। एक्सक्यूज मी, हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं, मेरा सामान का ख्याल रखिए। शॉप से जाइए, मैं जरूर रखूंगा। साहब क्या लाएंगे खाने को?
मटन स्पेशल, मटन फ्राई, मटन मसाला, मटन कुरमा, मटन किमा या खोखा कोला? ऑर्डर मेम साहब का। करेक्ट करेक्ट। ये सफर की मुलाकात, फिर न जाने कब मिलेंगे हम एक दूसरे से। अगर वक्त ने साथ दिया तो बहुत जल्द मुलाकात होगी। हमारी ट्रेन? हमारी ट्रेन में अभी बहुत वक्त बाकी है, तुम खाना खाओ। साहब आपको कलकत्ता एक्सप्रेस से जाने का है ना? आपकी ट्रेन तो जाने वाली है। मैंने कहा था ना बहुत जल्दी मुलाकात होगी, पुलिस के हाथों बच। अपने महबूब शाम के बाजुओं में दम तोड़ दूं। मगर उसकी महबूबा बनकर नहीं, एक मुजरिम की हैसियत से। मैं आज तक यही सोचता रहा कि तुम मुझे और मेरे प्यार को कभी ना समझ सके, लेकिन मुझे आज मालूम पड़ा कि मैं कितना मूर्ख था कि तुम्हें पहचान ना सका। एक मुजरिम की बेटी सिवाय मुजरिम के और क्या हो सकती है?
बोलो तुम्हारी असलियत क्या है? मेरा नाम अनोख हिलाल है। मैं मेहता एंड कंपनी और होटल हिल टॉप का मैनेजर हूं, मालिक। मैंने रुपए की लालच में आकर अपने बड़े भाई का खून किया और पकड़ा गया बेकसूर। बेकसूर रामदेव। तुमने बदमाशों के गिरोह को खत्म करके डिपार्टमेंट की इज्जत बढ़ा दी। आई एम वेरी हैप्पी। वेल, बेस्ट ऑफ लक। शाम बेटा, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकेंगे। पिताजी, जो वचन मैंने नीता को दिया था मैंने पूरा किया। बेटा, ये भी तो तुम्हारा फर्ज है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अच्छा शाम भैया, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन जाने वाली है। मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई कि ट्रेन में किसी अजनबी लड़की के हाथ से संतरा नहीं खाना। और तुम भी नहीं खाना, लेकिन आप खा सकती हैं नागपुरी संतरा। लीजिए लीजिए। ओके बाय। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों।